रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मूंग की दाल का हलवा बना रहे हैं। सर्दियों में यह हलवा बहुत ही मज़े का लगता है, बिल्कुल हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, आधा किलो मूंग की दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी अच्छे से, ताकि बहुत अच्छी तरीके से सोख लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आधा किलो दूध ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हम, और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। इतना उबालेंगे कि बिल्कुल दाल गल जाए, फिर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो एटलीस्ट 2-3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए, हमारा हो चुका था, दाल ठंडी हो गई थी। इसके बाद हमने इसको अच्छे से ब्लेंडर में पीस लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बाद में भी अगर हम देखेंगे तो हम इसमें ऐड कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने दाल इसमें ऐड करी है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी भुनाई होगी दाल की, क्योंकि मेन चीज़ जो है इसमें दाल की भुनाई है। बहुत ही अच्छी तरीके से दाल की भुनाई होगी जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाए। बस इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि दाल लोहे से लगे नहीं, इसको आप अच्छे से चम्मच चलाते जाएं। इस तरह से आप इसको अच्छे से चम्मच चलाएं चारों तरफ से, ताकि दाल कहीं से भी ना लगे, क्योंकि जब दाल लग जाती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है हलवे का। हो सकता है मुझे इस वक्त फील हो रहा हो। इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इसके अंदर येलो कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि दाल का कलर थोड़ा सा खूबसूरत सा आ जाए। चीज़ें जितनी अट्रैक्टिव होती हैं खाने को दिल चाहता है, उतना ही ज़्यादा खाने को दिल करता है फिर। इसलिए कोशिश किया करें कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो आपकी। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर, मेरे पास आधा किलो दाल थी, मैंने इसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम इसके अंदर मैंने शुगर ऐड करी है। आप चाहें तो इसके अंदर बराबर की भी शुगर ऐड कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने 400 ग्राम इसके अंदर शुगर ऐड की है। शुगर डालते ही देखिए थोड़ी सी नरम पड़ गई है ये दाल। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम खोया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर में। अभी हम थोड़ा सा इसको भून के दोबारा थोड़ा सा और डालेंगे खोया इसके अंदर हम। ये देखिए, बाकी मैं इसके अंदर और डाल दूँ, तकरीबन मैंने इसके अंदर 150 ग्राम खोया मेरे पास था, सारा ही मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। पिसी हुई इलायची इसके अंदर ऐड की मैंने, इलायची पाउडर इसके अंदर। खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर हल्की हल्की सी, अभी भी बिल्कुल प्रॉपर भुना नहीं हुई है। अभी इसकी देखिए कलर, देखिए कितना चेंज हो गया है, और ये हलवा भी जितना पहले भुन रहा था अब नरम होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे अंदर, बाकी हम ये कि ऊपर से गार्निश के लिए भी रखेंगे। थोड़े हम अंदर आधे अंदर ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी फूड का इंटेक ज़्यादा होता है, मीठे की भी ख्वाहिश होती है रात में खाने के बाद, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर आ रही है इस वक्त, क्योंकि दाल का कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। पहले से पहले बिल्कुल लाइट कलर था, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया। ये मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान दूध में भिगो के रखा था, इसको मैं एंड में इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ज़ाफ़रान का फ्लेवर इतना मज़े का आता है ना इसके अंदर, किसी भी आप मीठे के अंदर हलवे में ऐड करें तो ज़ाफ़रान का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारी मीठे की। अब ये हाफ जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे इसको मैं देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इससे टेस्ट ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़े से क्रंची भी हो जाते हैं ये, और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। फिर जब ये मुँह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप अगर डालें तो इस तरह से करके डालें, कोशिश करें कच्चे ना डालें। अभी हम देखें दाल हमारी हो चुकी है, कितना हमारा घी के ऊपर आ चुका है हलवे के ऊपर। ये हमने इसके ऊपर पोर कर दिया है सारे अपने ड्राई फ्रूट्स। हमारा मूँग की दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यार ये कौन सा म्यूजिक लगा हुआ है? अबे बे 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 बे, ये क्या आ रहा है?